दाखिला ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल रोकने के लिए आखिरी हद तक जाने का फैसला कर लिया है। सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में अहम इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास में अहम फैसले भी होंगे, इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे सगीर चौधरी से। सगीर चौधरी बताएगा इजलास का मेन एजेंडा क्या होगा। जी, नवाज शरीफ का इस्तकबाल रोकने से मुतालिक वफाकी वजारत दाखिला में एक अहम इजलास तलब किया गया है और इस इजलास की खास बात यह है कि जो उनका इस्तकबाल होने जा रहा है और उन्होंने बाकायदा इसका ऐलान भी कर रखा है, तो इस हवाले से उसको रोकने के लिए जरा ये कहते हैं कि तमाम ऑप्शंस और तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जाएंगे। क्योंकि डीजी नैब लाहौर की जानिब से कल नैब चेयरमैन को एक खत लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने के लिए हेलीकॉप्टर दरकार होगा, तो हेलीकॉप्टर की मदद भी दी जा सकती है इसमें। और इसके अलावा अहम बात यह है कि जितने भी अहम लीगी रहनुमा है मुख्तलिफ शहरों में खुसूसी तौर पर लाहौर में उनको नजरबंद भी किया जा सकता है, चूंकि दफा 144 का नफाज है और वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि अमनो अमान जो है वो उसको बरकरार रखा जाए। और ये भी जराये कहते हैं कि एजेंडे में शामिल है कि नैब के जो आला हुकाम इसमें शरीक हैं उसमें ये बात बताई गई और ब्रीफिंग दी गई कि चूंकि जब कैप्टन सफदर ने रैली निकाली तो उससे बहुत ज्यादा अमनो अमान का खदशा पैदा हुआ और 3 मुकदमात भी दर्ज हैं और ऐसी कोई प्रैक्टिस जो है वो दोहराई ना जाए। चूंकि एयरपोर्ट पर बैन अल-अक़वामी परवाजें भी आती हैं और बहुत सारे बैरून ममालिक से मुसाफिर भी आते हैं, उनकी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए एयरपोर्ट पर एक्सेस जो है उसको बंद कर दिया जाए, तो तमाम ऑप्शन जेरे गौर है। और रेंजर्स को बुलाने से मुतालिक भी आज हतमी फैसला कर लिया जाएगा कि सिक्योरिटी को रेंजर्स के हवाले कर दिया जाए। जी ठीक है सगीर, शुक्रिया आपका।